दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में आयुर्वेदिक चीजों को बहुत ही अधिक तजव्वो दिया जाता है और हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन समय से आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं और उसके सेवन से होने वाले बेनिफिट्स को भी विस्तार से बताया है। यही कारण है कि हमारे किचन में जितनी भी चीजों का इस्तेमाल खाने में किया जाता है सब आयुर्वेदिक हैं, जैसे कि हल्दी, दालचीनी, लौंग, अदरक और भी कई चीजें हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं और इन सब के अलग अलग बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर घर में किचन में अवेलेबल है, जिसे हम रोजाना यूज करते हैं लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो चीज है दोस्तों काली मिर्च। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, और जो लोग करते हैं वो कभी कभी करते हैं क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप काली मिर्च के फायदे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। कुछ लोग काली मिर्च को ऐसे ही साबुत इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग इसका पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरह से इसका इस्तेमाल सबसे बढ़िया रहता है। सबसे बढ़िया है कि अगर आप सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हैं, आप सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच काली मिर्च डालकर पीते हैं तो वो भी सबसे बढ़िया है। या फिर आप ऐसे ही 3 से 4 काली मिर्च के दाने को लेकर ऐसे भी खा सकते हो और ऊपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हो। सुबह खाली पेट काली मिर्च का सेवन करते हैं तो यह कैंसर के लक्षण को कम करने में काफी मदद करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें विटामिन ए, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीन जैसे विटामिन की उपस्थिति मुक्त कणों के कारण कैंसर से निपटने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपका वजन बढ़ चुका है और वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट काली मिर्च का सेवन बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन जैसे कुछ यौगिक वसा को जलाते हैं, यानी कि फैट को बर्न करते हैं और फैट को शरीर में जमने नहीं देते हैं। साथ ही इससे हमारा डाइजेशन मजबूत होता है और जिससे हमारा वजन कम होने में मदद मिलती है। सुबह आप काली मिर्च का सेवन करके देखें, 1 महीने में 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है अपने वजन को कम करने के लिए और अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए। अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो इसके सेवन से राहत पा सकते हैं क्योंकि काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन बढ़ा देता है जिससे डाइजेशन सही होता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है। इसके अलावा यह मुंह के लिए बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है या फिर जिन लोगों के दांत मजबूत नहीं हैं, मसूड़ों में सूजन रहती है, वो लोग भी अगर सुबह 4 काली मिर्च के दाने चबाकर खाते हैं या फिर पानी में काली मिर्च घोलकर पीते हैं तो मुंह से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। डिप्रेशन, स्ट्रेस को खत्म करने में भी ये बहुत ही फायदा करता है क्योंकि काली मिर्च में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को पैदा करने वाले बैक्टीरियाज को खत्म करता है। काली मिर्च के एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण गैस्ट्रिक म्यूकोसल क्षति और पेप्टिक अल्सर पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। काली मिर्च का नियमित सेवन कर आप पेट के अल्सर की समस्या को दूर कर सकते हैं। सांस संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए काली मिर्च बहुत ही उपयोगी औषधि है क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च में मजबूत एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। काली मिर्च में मौजूद पेपरिन अपने एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी गठिया गुणों के कारण गठिया के इलाज के लिए बेहद ही फायदेमंद है। काली मिर्च का तेल स्किन पर लगाने से यह स्किन को गर्माहट देता है जो आपके रक्त परिसंचरण में मदद करता है। इसका उपयोग गठिया से पीड़ित लोग दर्द से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा काली मिर्च का सेवन गठिया से पीड़ित लोगों के शरीर से यूरिक एसिड जैसे विषाक्त पदार्थों को हटाने में भी मदद करती है जो बहुत ही हानिकारक होते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि काली मिर्च दर्द और गठिया के लक्षणों की धारणा को कम करने में मदद करती है। अगर आप गठिया के दर्द से परेशान हैं, अर्थराइटिस है, तो आप काली मिर्च पाउडर का सेवन जरूर करें। काली मिर्च आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी बहुत अधिक प्रभाव डालता है। आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को ये स्वस्थ रखता है। इसके अलावा दोस्तों, गर्भवती अवस्था में और स्तनपान की अवधि के दौरान काली मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर मसालों के प्रति संवेदनशील होता है और उसके पश्चात स्तनपान कराते समय काली मिर्च की गर्मता आपके दूध में स्थानांतरित हो सकती है जो आपके शिशु को हानि पहुंचा सकती है। इसलिए काली मिर्च का गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली महिलाएं ना लें। गर्मी के मौसम में भी काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। ज्यादा सेवन से नाक से खून भी बहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसके अलावा दोस्तों काली मिर्च का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, जितनी क्वांटिटी बताई गई है उतनी ही करें, उससे ज्यादा सेवन करोगे तो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मुझे आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना और हौसला अफजाई के लिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।